आज पूरे भारत विच ईद उल फितर उत्साह नाल मनाई जा रही है। पटियाला दे माल रोड ते स्थित जिला पदरी ईदगाह विच 20,000 दे करीब मुसलमाना ने समूहिक तौर ते नमाज पढ़ी अते एक दूजे नूं गलवकड़ी विच लेके ईद दी मुबारक दित्ती। ईदगाह विच थां घट होण करके माल रोड ते भी काफी इकट्ठ देखण नूं मिलिया। इस ईद वाले दिन सारे बच्चियां नूं तोहफे भी वंडे गए। ईद ते नमाज पढ़न तों बाद मुसलमान भरावां ने एक मंग भी सरकार तों रखी कि उन्हां दी ईदगाह दी जमीन 31 बीघे हुंदी सी पर उस ते नाजायज कब्जा कर लिया गया, जिस करके हुण सिर्फ 4 बीघे जमीन ही रह गई है। सरकार नूं मुसलमान भरावां ने कहा है कि उन्हां दी जमीन ते नाजायज कब्जे छुड़वाए जान। माल रोड तों इलावा पटियाला विच रंजीत नगर बिशन नगर विच भी ईदगाहां विच नमाज पढ़ी गई। उंज पहला नमाज एक थां ते ही पढ़ी जांदी सी पर माल रोड ते स्थित ईदगाह विच थां घट होण करके हुण मुसलमान वख-वख थावां उत्ते नमाज पढ़न लगे ने। इस मौके वख-वख सियासी लीडरां वल्लों भी आम लोकां विच जा के ईद दा त्योहार मनाया गया। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान मुस्लिम भाईचारे नाल ईद मनाउण दे लई जलंधर दे गुलाब देवी रोड ते स्थित मस्जिद विच पहुंचे, जिथे उन्हां ने इस दिन मुस्लिम भाईचारे नूं शुभकामनावां दित्तियां। मुख मंत्री मान ने कहा कि हर वर्ग दे लोकां नूं इह त्योहार मिल के मनाउणा चाहीदा है। इह त्योहार एक दूजे नूं जफ़ी पा के अते सारियां पुरानियां रंजिशां मिटा के मनाउणा चाहीदा है। देशवासियां नूं वधाई देंदे मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विच शांति बनी रहे। अज ईद उल फितर दा त्योहार है, मुबारक त्योहार है। सारे देशवासियां नूं ईद मुबारक कहण लई आए हैं। छोटे मोटे रंशा भुला के गले मिलने का त्यौहार है। अज पूरे देश जगह जगह ईद मुबारक वाले चमन शांति बनी रहे, भाईचारे सांझ बनी रहे, सारे वर्ग प्रेम प्यार पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट करके भी सूबा अते देशवासियां नूं ईद दी वधाई दित्ती है। मान ने ट्वीट कीता कि ईद उल फितर दे पवित्र अवसर मौके देश विदेश विच वसदे समूह मुस्लिम भाईचारे नूं मुबारकबाद। अल्लाह सभना ते अपने बेशुमार रहमतां बख्शिश करन। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी जलंधर दी इक मस्जिद विच ईद मनाई। मुस्लिम भाईचारे वल्लों उन्हां दा मुंह मिठा करवाया गया, जिस दीआं तस्वीरां सुखबीर सिंह बादल ने सांझियां कीतियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके ते दुनिया भर दे लोकां नाल शांति, सद्भावना, सेहत ते खुशहाली दी कामना कीती। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार नूं ईद उल फितर दी पूर्व संध्या ते लोकां नूं शुभकामनावां दित्तियां ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਈਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।